हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंजन सीज होने का क्या मतलब होता है, इंजन सीज होने का क्या कारण होता है, कैसे हम लोग पता करें कि इंजन सीज होने वाला है और कैसे हम लोग अपने गाड़ी के इंजन को सीज होने से बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंजन के सीज होने का क्या मतलब होता है। अब फ्रेंड्स, किसी भी गाड़ी का इंजन स्मूथली रन करे इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उस गाड़ी का इंजन का जो वेरियस कंपोनेंट्स है वो सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट के साथ काम करे, यानी कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने फंक्शन को परफॉर्म करे। अब अगर गाड़ी का एक छोटा भी कंपोनेंट ख़राब हो जाए और हम उसे इग्नोर करें या उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए तो क्या होता है, आगे जाके वो एक छोटा सा कंपोनेंट इंजन के लिए एक बड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से इंजन के सीज होने का मतलब ये होता है कि इंजन के जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो लॉक हो जाते हैं, और इस हद तक लॉक हो जाते हैं कि क्रैंकशाफ्ट अपने बेयरिंग को टर्न तक नहीं कर पाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो गाड़ी के जो इंटरनल पार्ट्स है, जैसे कि पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, बेयरिंग, ये क्या होते हैं, ओवरहीट होने की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में वेल्डेड हो जाते हैं, जिसके वजह से ना तो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन हो पाता है, ना ही पिस्टन का अप और डाउन मूवमेंट होता है, यानी कि इंजन के सिलेंडर के अंदर में जो कंपोनेंट्स है, जो इंटरनल कंपोनेंट्स है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं, वो पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं, उनका मूवमेंट नहीं होता है। तो ये होता है इंजन का सीज होना। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंजन के सीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हम लोगों को जानना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कि इंजन के सीज होने के क्या क्या कारण होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो रीज़न है इंजन के सीज होने का, वो है इंजन के अंदर में इंजन ऑयल यानी कि मोबिल का कमी होना। फ्रेंड्स, अगर मोबिल इंजन के अंदर में सही मात्रा में अवेलेबल नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि इंजन के जो मूविंग पार्ट्स है, जैसे कि पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, इनका क्या होता है, इनका ओवरहीटिंग होता है, और ओवरहीटिंग होने की वजह से इनका मेल्टिंग होता है, और कई बार ये जो दोनों मूविंग पार्ट्स होते हैं इनका आपस में फ्रिक्शन होता है, जब आपस में टकराते हैं तो इनका जो वेयर एंड टेयर का जो रेशियो वो बढ़ जाता है, और कई बार इन दो कंपोनेंट्स के जो मतलब कि टुकड़े होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और बहुत हद तक इंजन को डैमेज करते हैं, इंजन को सीज करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट कारण फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वो ये है कि जब लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि मोबिल की कमी होती है तो क्या होता है कि लुब्रिकेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि इंजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बेयरिंग, तो ये बेयरिंग को डैमेज करते हैं, और अगर बेयरिंग डैमेज हो जाए और अपने फंक्शन को सही से परफॉर्म नहीं करे उससे भी इंजन सीज होता है। अगला कारण मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वजह से वाटर यानी कि पानी इंजन के सिलेंडर के अंदर में आ जाए तो क्या होता है कि जो पेट्रोल और डीजल होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वाटर कंप्रेस नहीं हो पाता है, और क्या होता है, वाटर की वजह से भी बहुत केसों में ये देखा गया है कि इंजन सीज हो जाता है। अगला फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि अगर कभी ऐसा हो कि गाड़ी बहुत लंबे पीरियड तक मतलब अनयूज्ड हो, खड़ी हो, उससे क्या होता है कि इंजन के जो सिलेंडर के अंदर में जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें रस्ट हो जाता है। रस्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग टाइम टाइम से अपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो एंड क्या होता है कि आखिरी में आके अपना जो ऑयल पैन होता है वहाँ पर जमा हो जाता है। अब क्या होता है कि उसके वजह से जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो रस्टी हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है, और फिर अगर हम लोग जाके इंजन को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि बहुत हद तक उसके वजह से भी इंजन सीज हो जाता है। फ्रेंड्स, अब ये सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चले कि इंजन सीज होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इंजन सीज होने से पहले बहुत सारे सिग्नल्स देता है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल्स इंजन से आता है वो ये है कि जब इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तो नॉकिंग का आवाज़ आता है, और उसके साथ ही साथ मेटल्स के टकराने का आवाज़ आता है। तो जब कभी आप इंजन को रनिंग कंडीशन में है और नॉकिंग का आवाज़ लगातार आ रहा हो तो आप समझ जाओ कि इंजन सीज होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा सिग्नल है वो ये है कि जब इंजन सीज होने के करीब होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो इंजन का कनेक्टिंग रॉड होता है वो लगातार क्रैंक शाफ्ट के साथ टकराता है, और वहाँ पे मेटल्स के टकराने का बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, और ये आवाज़ लगातार आते रहता है, जिसे डेड नॉक कहते हैं। तो अगर डेड नॉक आ रहा आपके इंजन से सुनाई दे रहा है तो आप समझ जाओ कि इंजन सीज होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर एकदम से आप
आपके इंजन का परफॉर्मेंस घट जाए, ओके, अलग अलग तरह के नॉइज आए। इसके अलावा जो इंजन का डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो इंजन ऑयल का लेवल है वो कम हो जाए, तो सबसे पहले तो आप इंजन ऑयल का लेवल अगर कम दिखा रहा तो उसे तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। तो ये सब कारण है जिसके वजह से हम लोग को ये मालूम चल सकता है कि हमारा इंजन सीज होने वाला है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंजन सीज हो गया है ये आप कैसे पता कर सकते हो। तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो ये है कि आप जितनी मर्जी इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करो, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ तक कि जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है जैसे कि रेडियो, लाइट, ब्लोवर, ये सब प्रॉपर फंक्शन करेगा, ये सब जल जाएगा, लेकिन इंजन रन नहीं होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये सिम्टम है। अगला सिम्टम है वो ये है कि जब आप क्रैंकिंग करोगे, ओके, जब इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, उस समय पे एक सीज्ड जो इंजन होता है उससे लाउड क्लंकिंग का आवाज़ आता है। ये तब आता है चूँकि जो स्टेटर होता है वो लगातार फ्लाईव्हील को हिट करते रहता है और इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से लाउड क्लंकिंग का साउंड आता है। फ्रेंड्स, अगला जो सिम्टम है वो ये है कि कई बार ये देखा गया है कि जब इंजन सीज होता है तो जो पिस्टन है वो इंजन ब्लॉक से बाहर आ जाता है, उसको पियर्स करते हुए बाहर आ जाता है, तो ये भी एक सिग्नल है कि इंजन सीज हो गया है। फ्रेंड्स, अगला जो सिम्टम है वो ये है, मैं आपको बता दूं कि जब कभी इंजन सीज होता है उस समय पे क्या होता है, जो स्टार्टर होता है वो मोटर को रन नहीं कर पाता है और जिसके वजह से क्या होता है, जो वायरिंग होता है वो ओवरहीट होने लगता है, वायरिंग से धुआं निकलता आपको दिखाई देगा, यहाँ तक कि कभी कभी वायरिंग में आपको फायर भी दिखाई देगा। जो भी एक सिग्नल है, जो भी ये इंडिकेट करता है कि इंजन सीज हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही सिम्टम है जिसके वजह से आप ये पता कर सकते हो कि इंजन सीज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि इंजन सीज होने का क्या मतलब होता है, क्या कारण होता है, कैसे हम लोग इंजन को सीज होने से रोक सकते हैं और कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि इंजन सीज हो गया है। तो आई एम श्योर आज का ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।